हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी के, जो सप्लीमेंट्री की बुक है क्लास 10th की, यूपी बोर्ड की नई बुक है 2022 के लिए, 2021-22 के लिए। तो पहला चैप्टर इसमें हमारा है ए ट्रायंफ ऑफ सर्जरी। तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है हम बिल्कुल आसान भाषा में जो है सॉल्व करेंगे। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिख लीजिए और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवार्ड्स द डॉग, यानी कि कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं, द डॉक्टर वॉज वेरी वेरी सिंपैथेटिक, द डॉक्टर वॉज वेरी सिंपैथेटिक टुवार्ड्स द डॉग, द डॉक्टर वॉज वेरी सिंपैथेटिक टुवार्ड्स द डॉग, यानी जो डॉक्टर था वो बहुत ही जो है सहानुभूति रखते थे डॉग के प्रति। ही वॉज वरीड अबाउट, वे चिंतित थे ट्रिकी की कंडीशन को लेकर। ट्रिकी यानी कि जो छोटा सा कुत्ता है। ही आस्क्ड टाइम टू टाइम हिज हेल्थ, वह उसकी हेल्थ के बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में बार बार पूछते रहते थे। किससे? मिसिज पम्फ्री से, क्योंकि वही जो इसकी मालकिन थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, यह आपके लिखने हैं 25 वर्ड्स में। दूसरा क्वेश्चन है, तो आप लोग नोट करते चलिए। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसिज पम्फ्री कंसर्न अबाउट ट्रिकी, व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था बिहाइंड मिसिज पम्फ्री कंसर्न अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के लिए चिंतित होने के पीछे क्या कारण था। तो आप जानते हैं, आपने स्टोरी में पढ़ा होगा ट्रिकी के पीछे चिंतित होने क्या कारण था, क्योंकि ट्रिकी जो है बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया था। तो उसके बारे में ही लिखना है। तो यह है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द मिसिज पम्फ्रे कॉन्सर्न अबाउट ट्रिकी। तो मिसिज पम्फ्रे वाज कॉन्सर्न अबाउट ट्रिकी वुड ईट नथिंग, वह कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज हिज फेवरेट डिशेज, वह अपनी जो उसके फेवरेट पकवान थे, फेवरेट चीज़ें थी, चॉकलेट वगैरह, वह वो भी नहीं खा रहा था। ही स्पेंट ऑल दिस टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, ही स्पेंट ऑल दिस टाइम, वह जो है पूरे समय एक गलीचे पर ही पड़ा रहता था। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग, व्हाई, शुरुआत में घर के कुत्तों को ट्रिकी बोरिंग क्यों लगा, यही जो है बताना है। तो क्यों लगा था, आपने स्टोरी में पढ़ा था, क्योंकि ट्रिकी जो है कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ एक जगह पड़ा रहता था, वो ओवर फीडिंग के कारण जो है ज़्यादा बीमार हो गया था। तो यही हमें लिखना है इसको आंसर। ठीक है, लिखते हैं इसका आंसर क्या है। तीसरा, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग, व्हाई, एट द सर्जरी, सर्जरी के दौरान द हाउस होल्ड डॉग्स सराउंडेड ट्रिकी ने, घर के कुत्तों ने जो है ट्रिकी को देखा। ही लुक्ड एट देम विद डल आइज, उन्होंने उसको बिल्कुल ही जो है बहुत ही भद्दी आंखों से, यानी कि बंद हुई आंखों से देखा, बहुत ही ज़्यादा जो है सुस्त लग रहा था वो। द अदर डॉग स्निफ्ड हिम, और दूसरे कुत्तों ने ट्रिकी को सूंघा, स्निफ मींस होता सूंघना, बट ही डिड नॉट गिव एनी रेस्पॉन्स, परंतु उसने उन्हें कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। सो दे फाउंड हिम एज एन इंटरेस्टिंग, अतः उन्हें वो एक अन इंटरेस्टिंग यानी कि उनमें कोई रुचि न दिखाने वाला पदार्थ लगा, ऑब्जेक्ट बताया यहाँ पर, पदार्थ लगा, और उसे रिजेक्ट कर दिया कि ये जो है मतलब डॉग की तरह नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फोर हमारा, व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे व्रिंग हर हैंड्स, व्रिंग मीन्स होता है ऐंठना या मरोड़ना। तो मिसेस पम्फ्रे ने अपने हाथों को क्यों मरोड़ा, तो मिसिज पम्फ्रे ने अपने हाथों को मरोड़ा बिकॉज वे बहुत टेंशन में थी ट्रिकी की स्वास्थ्य को लेकर। तो मिसिज पम्फ्रे, PUMPHREY है मिसिज पम्फ्रे, मिसिज पम्फ्रे व्रंग हर हैंड्स बिकॉज सी वॉज इंटेंस्ड फॉर द हेल्थ ऑफ ट्रिकी, उन्होंने अपने हाथ को मरोड़ा क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टेंशन में थी ट्रिकी की हेल्थ को लेकर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग, फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सेप्टिंग ए कॉल, उन्हें किसके कॉल का इंतज़ार था, यहाँ पर छूटा हुआ है, उन्हें किसके कॉल का इंतज़ार था। सी वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम द सर्जरी हाउस और डॉक्टर मिस्टर हैरियट, उन्हें जो है सर्जरी हाउस से डॉक्टर हैरियट का इंतज़ार था, क्योंकि डॉक्टर हैरियट को जो है काफ़ी समय हो गया था हॉस्पिटल में। तो उसके जो रिजल्ट था कि ट्रिकी के जो स्वास्थ्य का रिजल्ट है कैसा है,
मतलब कब ठीक होगा, तो उसके लिए ही जो है सूचना सुनने के लिए जो उन्हें इंतजार था, किसका, हैरियट का, डॉक्टर जो डॉक्टर थे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने के लिए एकमात्र सहारा, एकमात्र रास्ता क्या था। तो द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता था टू बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट फोर्ट नाइट, FORTNIGHT, फोर्ट नाइट में 14 दिन का समय, पखवाड़ा। टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो सिर्फ एक रास्ता जो है ट्रिकी का वो था, ट्रिकी को हॉस्पिटल में भर्ती करना 14 दिन के लिए, अपने जो है ऑब्जर्वेशन में देखने के लिए ट्रिकी को, जो डॉक्टर थे वो चाह रहे थे कि ट्रिकी जो है हमारे अंडर में रहे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, व्हाट वाज द रियल डिसीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। वास्तव में जो ट्रिकी बीमारी थी, ट्रिकी जो है किस बीमारी से जूझ रहा था, रियल बीमारी क्या थी। तो एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिसीज, PHYSICAL, एक्चुअली ट्रिकी हैड नो फिजिकल डिसीज, ट्रिकी को जो है कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड ए वॉमिटिंग प्रॉब्लम, उसे जो है उल्टियाँ करने की बीमारी थी, वह उल्टियाँ करता था, क्यों, क्योंकि ज़्यादा खाने की वजह से, बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग मीन्स होता है ज़्यादा खाना। ही वॉज लेजी, वह सुस्त था, बिकॉज ही डिड नॉट हैव फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि वह शारीरिक एक्सरसाइज जो है नहीं करता था। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, ट्रिकी का रिएक्शन क्या था जब उसकी जो मालकिन थे उन्हें उसे लेने आई। तो व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म, वह जो है टुक ऑफ फ्रॉम, वह अपने मिस्टर हैरियट की हाथों से जो है कूद गया। टुक ए ट्रेमेंडस लीप, और बहुत तेजी से जो है मिस पम्फ्रे की गोद में कूद गया। ही लाइक्ड हर फेस, ही लिक्ड, लिक्ड मीन्स होता है चूमना, ही लिक्ड हर फेस एंड बार्ट, वह भौंका। आई नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू, व्हाट वॉज द क्यूर। तो 8 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, बाकी के 9 से लेकर 12 तक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और यहाँ पर आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।